प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास, कभी कोई हमारे बारे में जानने की कोशिश करता है तो कभी हम कई प्रकार से सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अरे, हम तो इसे इंटरव्यू कहते हैं। कभी ना कभी आप भी इंटरव्यू देने की इस प्रक्रिया से जरूर गुजरे होंगे, फिर चाहे वो इंटरव्यू किसी नौकरी के लिए हो या शादी ब्याह के लिए हो। अरे भाई, इंटरव्यू लेने और देने का रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है, पर क्या आपने कभी सुना है कि इंटरव्यू देना कभी किसी के लिए मुसीबत का सबब बन गया हो, किसी को मुसीबत लगने लगा हो? जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे आज के हास्य लेख के लेखक श्री राधा कृष्ण को इंटरव्यू देना किसी मुसीबत से कम नहीं लगा, और इस बात का अंदाजा आपको आज के हास परिहास के लेख में सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं आज का हास्य लेख, कम मुसीबत नहीं इंटरव्यू देना। मैं दुनिया को देखता हूँ और दुनिया मुझे देखती है। इस प्रकार की देखा देखी में सृष्टि की विचित्रता का आभास मिलता है और प्रश्न पैदा होने लगते हैं। दुनिया भी एक प्रश्न है। तमाम जिंदगी उस प्रश्न का जवाब देते देते एक दिन आदमी मर जाता है। इसलिए प्रश्न से भी एक प्रश्न पैदा होता है कि ये जीवन क्या है, किस लिए है, इस जीवन का उपयोग और व्याकरण क्या है। प्रश्न गहन है। सृष्टि के आदिकाल से ही इसका जवाब दिया जा रहा है। पोथे पर पोथे तैयार हो रहे हैं, मगर जवाब है कि मिलता नहीं। प्रश्न है कि और भी उलझता जाता है। गौतम बुद्ध ने इसका जवाब देने की चेष्टा की थी। कहा था कि जीवन दुख समुदाय है। यहाँ दुख है और दुख है और दुख है। दुख के सिवा और कुछ भी नहीं। सुकरात ने भी खुद तर्क वितर्क किया है और इस बात का जवाब दिया है। सुकरात का कहना है कि ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। अब अगर इस बात को ठीक से देखें तो बुद्ध देव के अनुसार जीवन को दुख समुदाय मानना चाहिए और उन दुखों को दूर करने के लिए सुकरात के अनुसार ज्ञान की उपलब्धि करना चाहिए। अब जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि आज के दिन बेकारी प्रबल है। धंधा नहीं मिलता, रोजी नहीं मिलती। रोजी नहीं मिलती तो रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। अब देखिए ना, आजकल बाजार में तरह तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन बेकारी के कारण सब बेकार हो जाती हैं। तब ऐसी अवस्था में महर्षि सुकरात का कथन काम आता है। उन्होंने कहा था कि ज्ञान पाना चाहिए। तब परम ज्ञान और चरम ज्ञान क्या है, इस बात की खोज करते हुए मैंने पाया कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देना ही ज्ञान की चरम सीमा है। जब तक आप इंटरव्यू रूपी बाधा पार नहीं करते, तब तक नौकरी रूपी वरदान आपको नहीं मिल सकता। पूजा में संकल्प करना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए भी वैसा ही संकल्प करना पड़ता है। संकल्प कुछ इस प्रकार का होता है कि मैं अमुक नामना, अमुक गोत्र, अमुक स्थान का निवासी, जिसका क्वालिफिकेशन निम्न रूप में अंकित है, संकल्प करता हूँ अमुक नौकरी करूँगा। तय संकल्प बड़ा भारी चीज होने पर भी विशेष महत्व नहीं रखता। इसलिए आदमी को संशय में नहीं पढ़ना चाहिए। गीता में ही कहा गया है कि संशयात्मा विनश्याति। इसलिए हे बंधु, संशय में मत पढ़ो, अपना संकल्प रूपी प्रार्थना पत्र भेज दो। तब तुम्हारे पास एक छोटा सा कार्ड आएगा जिसमें छपा हुआ होगा कि अमुक नामा महोदय को सूचित किया जाता है कि अमुक दिन अमुक समय अंतर्विक्षा के लिए अर्थात इंटरव्यू के लिए पधारे। मगर कम मुसीबत नहीं, इंटरव्यू का कार्ड आता ही कहाँ है। सूर्य रोज उदय होता है और रोज डूब जाता है।
पृथ्वी रोज एक करवट लगा लेती है। सप्ताह बीतते हैं, महीना गुजरता है, मगर इंटरव्यू लेटर नहीं आता। तब बुधदेव याद आने लगते हैं, सुकरात याद आता है, इतिहास चक्कर खाने लगता है और भूमंडल में खरमंडल होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। तब फिर प्रश्न पैदा होता है कि इंटरव्यू तो पीछे होगा, पहले ये बताइए कि लेटर कैसे आता है। जी चाहता है कि इंटरव्यू लेटर आने के लिए टैक्सी भेज दूं। पुरानी संस्कृति के अनुरूप पहल की रवाना कर देते थे, मगर लोग कहते हैं अजी नहीं, ये सब क्या करना है, चेष्टा करो, चेष्टा करने से ही सब कुछ होता है, चेष्टा करने पर आदमी एवरेस्ट चढ़ जाता है, समुद्र के भीतर चला जाता है, चेष्टा करो क्योंकि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते चरमति होत जान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सो पत्थर पर निशान पैदा करना है, रस्सी को रगड़ मारना है। हे बंधु, विचलित मत बनो, इंटरव्यू लेटर के लिए चेष्टा करो। और आप हैं कि साइकिल पर उड़े जा रहे हैं, उस कार्यालय में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इंटरव्यू का लेटर। अजी साहब, इंटरव्यू का लेटर तो जा चुका, अब तक आपके पास पहुंचा नहीं, तो मैं क्या करूं? आप जाइए, तलाश कीजिए। तब आपको थोड़ी सी जासूसी करनी होगी, जासूसी करने से पता चलेगा कि आपके नाम इंटरव्यू लेटर आया तो जरूर था, मगर आपके उस मित्र ने डाकी से मांग लिया और अपने पास रख लिया। क्यों रख लिया? इसलिए कि वो भी उसी नौकरी का उम्मीदवार है। वो सोचता है कि अगर आपको इंटरव्यू लेटर नहीं मिले और आप ना जाएं, तो वो अकेला जाएगा और नौकरी रूपी गढ़ को जीत लेगा। मगर ऐसा होता कहाँ है, आदमी इंटरव्यू देते समय अकेला नहीं होता, अकेले दौड़ने वाला हमेशा फर्स्ट आता है। मगर इस रेस में तो भीड़ की भीड़ दौड़ती है और दौड़ती हुई जाकर इंटरव्यू के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। ताकत चाहिए, धीरज चाहिए, लगन चाहिए, परिश्रम चाहिए। ताकत से धीरज मिलता है और धीरज से ताकत आती है। अब देखना है कि इंटरव्यू लेने वाला किसके गले में जयमाला डालता है। काली शेरवानी वाला गर्व से माथा ऊपर उठाकर देखता है, टाई लगाने वाला बार बार अपनी गांठ को ठीक करता है और रुमाल से मुंह पोंछता है। आपको सब कुछ मुसीबत मालूम होगी, और ये कम मुसीबत नहीं है जी। बढ़िया सूट चाहिए, नफीस जूता चाहिए, भीतर भीतर आप घबराए जा रहे हैं, मगर ऊपर से दिखला रहे हैं कि अजी कोई परवाह नहीं, जो होना है होता रहे। सो इस प्रकार का अभिनय चाहिए, कम मुसीबत नहीं है, इंटरव्यू एक बड़ी मुसीबत है। भाई एक बार मैं नौकरी के एक इंटरव्यू में गया था, देखा कि चार आदमी मुझे इस प्रकार घूर रहे हैं मानो वो अभी तुरंत कुर्सी छोड़कर उठेंगे और मेरे साथ कुश्ती लड़ना शुरू कर देंगे। मैं भी प्रतिरक्षा के लिए अपनी बाँह समेटने लगा। तब एक आवाज़ आई, बैठिए। मैं बैठ गया। अब वो सभी मुझे देख रहे हैं और मैं उन लोगों को देख रहा हूँ। लगा कि वो दाव लगाएंगे और मुझे पैतरा बदलना होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रश्नों के बाण आने लगे। पूछा गया, भाषा शास्त्र? मैंने कहा जानता हूँ। क्या जानते हैं? मैंने कहा सब जानता हूँ, सभी देशों की अपनी भाषाएं विदेशी भाषाओं से निकली हैं। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने मुझे विद्वान मान लिया। बोले अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मैं जानता था, मैंने बतलाया अलंकार दो प्रकार के होते हैं। मालूम हुआ जैसे वे लोग आसमान से टपक रहे हैं। अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं? कैसे दो प्रकार के होते हैं? मैंने स्पष्ट किया, एक अलंकार तो साहित्य और काव्य में होता है और दूसरा अलंकार सुनार के यहाँ बनाया जाता है। भाषा और सुनारों के अलंकार के अनेक भेद हुआ करते हैं। तब मुझे लगा कि वे लोग मेरी बात से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मगर साहब, क्या मैं झूठ बोल दूँ? मैं मानता हूँ कि साहित्य में अलंकार हैं, मगर आप ये क्यों नहीं देखते कि सुनारों के यहाँ जो अलंकार बनाए जाते हैं उनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। मैं उन लोगों के सामने झूठ नहीं बोल सका। तब मुझसे पूछा गया,
रस की निष्पत्ति कैसे होती है? मैंने कहा, जीभ से इसकी निष्पत्ति हो जाती है। मुझे वो नौकरी नहीं दी गई, मगर आप ही बतलाइए कि रस की निष्पत्ति अगर जीभ से नहीं होती तो क्या मस्तिष्क से होती है? मस्तिष्क तो आपको केवल सूचना देता है कि रस की निष्पत्ति हो गई, मगर जाने दीजिए साहब। एक बार एक सज्जन आए और घर पर ही मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। क्या कमाते हैं? अपने जीवन में आप क्या क्या करना चाहते हैं? हाँ साहब, इतना करना चाहते हैं तो आपको कुछ बचत भी करनी चाहिए। वे मेरी मृत्यु के बाद की समस्या पर बोलने लगे और मैं समझने लगा कि मेरे यहाँ तो साक्षात भगवान बुद्ध अपनी संपूर्ण करुणा लेकर उतर आए हैं और मेरा जीवन धन्य करना चाहते हैं। उन्होंने बतलाया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 30,000 रुपये का बीमा पॉलिसी खरीद लें, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनका ये भी कहना था कि उससे मेरी मृत्यु के बाद की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। काश वो मेरे वर्तमान की समस्या को भी सुलझा सकते। अजीब अजीब इंटरव्यू होते हैं। एक दिन एक सज्जन आए, कहने लगे कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, सवेरे के पहर आप नाश्ते में क्या खाते हैं? ये किस प्रकार का इंटरव्यू है? मैंने कहा, मैं कुछ भी नाश्ता करता हूँ, इससे आपका क्या? मैंने समझ लिया कि ये भी बीमा का आदमी है, ये मेरा बीमा भी करेगा और मेरा नाश्ता भी खा जाएगा। मैं सख्ती से काम लेने लगा और वो नम्रता से काम लेने लगे। दुनिया बड़ी चालाक हो गई है। आखिर मैंने उसे कहा, महाशय जी, मेरा बीमा हो चुका है, आप यहाँ से जाइए। वो जाने लगा और जाते जाते बोला, आप हमारे देश के उदयीमान लेखक हैं और मैं एक पत्रकार की हैसियत से आपका इंटरव्यू लेने आया था, आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तब साहब बाजी उलट गई। तब मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार था, मगर वो इंटरव्यू लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो उधर चला गया और मैं इधर चला आया। अभी आपने सुना हास्य लेख कम मुसीबत नहीं इंटरव्यू देना। इसके लेखक थे श्री राधा कृष्ण, वाचन था एसएम शरीफ का, कंपेयर थी अर्चना गुप्ता, कार्यक्रम प्रसारण सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।